हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं 2022 में बदले गए नामों पर। दोस्तों, बदले गए नामों से यहाँ से हैं, जैसे कोई एयरपोर्ट है, कोई यहाँ पे स्टेडियम है, किसी भी प्रकार से यदि यहाँ पे कोई नाम परिवर्तन होता है उनसे संबंधित आप यहाँ से SSC जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करती है वहां से क्वेश्चन पुटअप करती है और आपको पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम उन्हीं क्वेश्चनों पे बात करने वाले हैं जो 2022 में मोस्ट जो बदले गए नाम है, करंट अफेयर 2022 में। दोस्तों, यह मुख्य टॉपिक है और यहां से आज के सेशन में दोस्तों बात करने वाले हैं 100% परीक्षा में छपने वाले प्रश्न। दोस्तों, जो बदले गए नामों से 100% एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन उन पे बात करने वाले हैं। तो उनमें देखा जाए तो दोस्तों, जैसे फेसबुक का भी हाल ही में नया नाम चेंज कर दिया गया है, इंडोनेशिया देश का नया नाम चेंज कर दिया गया है, तुर्की देश का नया नाम क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तन किया गया है, जहाजरानी मंत्रालय का नाम चेंज किया गया है, सेना खेल संस्थान का नाम चेंज किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, जो HRD मंत्रालय हुआ करता था, मानव विकास मंत्रालय, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। तो इस प्रकार के तमाम जो नाम परिवर्तन किए गए हैं उनसे SSC एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करती है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो करंट अफेयर्स से जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है उनमें जो यह टॉपिक मुख्य होता है। इसीलिए आपकी जो आज की सेशन के बाद दोस्तों कम से कम एक या मैक्सिमम दोस्तों 2 नंबर यहाँ से कंफर्म होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आरंभ करते हैं आज के सेशन का। और पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी दोस्तों यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर दोस्तों, उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति जो TRS है उसका नाम बदलकर अभी हाल ही में भारत राष्ट्र पार्टी BRS कर दिया है दोस्तों, भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य ने चिप्पी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर बैरिस्टर नाथपाई के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो दोस्तों, जो चिप्पी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है वह महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, चिप्पी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा महाराष्ट्र में स्थित है और दोस्तों इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर दोस्तों बैरिस्टर नाथपाई के नाम पर रख दिया गया है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों, जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, जो ईडन गार्डन स्टेडियम है यह कोलकाता में स्थित है और कोलकाता दोस्तों आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की राजधानी है। तो दोस्तों, ईडन गार्डन के स्टेडियम में दोस्तों भारत की मशहूर महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम पर जो स्टेडियम में एक स्टैंड रखा गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहां से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस, मलेशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होने वाला है। जो कजाकिस्तान देश ने दोस्तों राजधानी का नाम बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया गया है। तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन बनते हैं उन पे बात कर लेते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम 2019 से पहले अस्ताना हुआ करता था। जी हाँ, 2019 से पहले जो कजाकिस्तान की राजधानी थी वह अस्ताना हुआ करती थी, लेकिन जो 2019 के बाद जो तत्कालीन राष्ट्रपति है नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में दोस्तों वर्ष 2019 में जो कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया। दोस्तों, नूर सुल्तान नाम चेंज कब किया गया, जो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति 2019 के थे नूर सुल्तान नजरबायेव है दोस्तों, उनका सम्मान करने के लिए दोस्तों नाम चेंज कर नूर सुल्तान कर दिया गया था। अब फिर से 2022 में दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना ही कर दिया गया है। और बात करें दोस्तों, अब जो कजाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इस प्रकार भी क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकता है, क्योंकि कजाकिस्तान जो अपनी राजधानी का नाम बदलने के कारण काफी चर्चा में बना हुआ है, तो वहां के राष्ट्रपति भी पूछे जा सकते हैं। तो कजाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति होने वाले हैं कसीम जोमार्ट टोकायव है, जो कि कजाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया की जो नई राजधानी के रूप में नुसंतारा को चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन, दोस्तों राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है भारत के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों जो राजपथ और सेंट्रल विस्टा का नाम है दोस्तों बदलकर कर्तव्य पथ रखा है।
तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रम से क्या रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद शहर है, औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव रखा गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, नवी मुंबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र में जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी दोस्तों बदल दिया गया है, और जो नाम बदलकर दोस्तों नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर दोस्तों डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों यहां से जो सुनील गावस्कर है, सुनील गावस्कर के नाम पर दोस्तों इंग्लैंड के दोस्तों जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम है बदलकर सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड रख दिया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो ट्रिपल बी का नाम बदलकर क्या रखा है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने ट्रिपल बी का नाम अभी हाल ही में बदलकर एफएसआईबी की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। दोस्तों इसके संदर्भ में और क्या तथ्य है उन पे बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रिपल बी बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर एफएसआईबी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो रख दिया गया है। और दोस्तों यह जो ट्रिपल बी था बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसका जो गठन है सन 2016 में किया गया। दोस्तों 2016 में ट्रिपल बी बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसका गठन किया गया। दोस्तों बीबीबी है, ट्रिपल बी है, ये क्या कार्य करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ट्रिपल बी का जो वर्तमान में नाम बदलकर एफएसआईबी कर दिया है, उसका जो मुख्य कार्य है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के निदेशकों एवं चेयरमैन की नियुक्ति करना इसका मुख्य कार्य है। तो दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी एफएसआईबी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो इसका नाम बदलकर रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो दोस्तों तुर्की देश ने अपना नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है, और ये जो तुर्की है दोस्तों एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, वहां जो करेंसी चलती है टर्किश लीरा है, और उसके जो दोस्तों तुर्की के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है वह है रिस्प टेप एर्डोगान है दोस्तों, जो कि वहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाने वाला है। तो दोस्तों जो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन है वह है पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाने जाने वाला है। तो आपका यहां से ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मध्य प्रदेश की शिवपुरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों यहां से मध्यपुरी जो मध्य प्रदेश की शिवपुरी है उसका नाम बदलकर कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है। तो दोस्तों यहां से और जो क्या तथ्य हो सकते हैं उन पे बात करते हैं। शिवपुरी का नाम नया नाम क्या है, कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है। इसी के साथ जो होशंगाबाद है जिले का नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो होशंगाबाद जिला है उसका नाम भी नर्मदापुरम कर दिया गया है, और दोस्तों होशंगाबाद जिले की जो बाबई नगर पंचायत है उसका नया नाम है माखनपुर कर दिया गया है। और यह माखनपुर दोस्तों जो बाबई कवि जो माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म स्थली है, जो बाबई थी दोस्तों वह है भारत के जाने माने कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म स्थली है, इसलिए दोस्तों उन्हीं के नाम को दोस्तों सम्मानित करने के लिए दोस्तों जो उनकी जन्म स्थली बाबई है उसका नाम माखनपुर कर दिया गया है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट है जो उत्तराखंड में स्थित है उसका नाम बदलकर अभी हाल ही में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो मैनपुरी सैनिक स्कूल थी उसका नाम किसके नाम पर रखा है। तो दोस्तों सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी और सीडीएस जनरल बिपिन रावत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत है, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम दोस्तों इनके नाम पर परिवर्तन किया गया है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि वर्ष 2021 में दोस्तों जो कि तमिलनाडु की कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल भारत के पहले जो सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो चुकी है। उनके बाद दोस्तों भारत के दूसरे जो सीडीएस है अनिल चौहान, उनकी नियुक्ति कर दी है, उन्होंने भी कार्यभार संभाल लिया है। यदि आप सीडीएस के बारे में किसी प्रकार से तथ्य संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो सीडीएस है उससे संबंधित जो सेशन है उसमें जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित किबितु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। दोस्तों जो किबितु है आप सभी को पता है भारत का जो पूर्वोत्तम बिंदु है वह किबितु है और भारत का पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जो मध्य प्रदेश में स्थित पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों जो टंट्या भील रेलवे स्टेशन इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नया नाम पंतजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ऑप्शन नंबर बी, TCL VSNL का नाम बदलकर TCL कर दिया है। दोस्तों यह VSNL नहीं है, VSNL है विदेश संचार निगम लिमिटेड, जबकि BSNL की फॉर्म होती है भारत संचार निगम लिमिटेड, यहाँ पे VSNL है दोस्तों विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसका अभी हाल ही में नाम बदलकर TCL कर दिया गया है, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों जो दिल्ली में पर्यावरण भवन है उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है। दोस्तों आप सभी को पता है जो भारत की पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, उन्हीं को दोस्तों सम्मानित करते हुए जो भारतीय प्रवासी भारतीय केंद्र है उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। जी हाँ, सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो भारत की पहली महिला विदेश मंत्री के नाम को सम्मानित करने के लिए ही उसका नाम भी सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान नाम रखा गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय रखा गया है और ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं भारत के पहले जल शक्ति मंत्री कौन है, जल शक्ति मंत्री कौन है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करने वाले हैं और इसका आंसर देने वाले हैं कि भारत के पहले जल शक्ति मंत्री कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। जो दोस्तों पहले HRD मंत्रालय हुआ करता था उसका अभी हाल ही में नाम परिवर्तन किया गया है और उसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में जो भारत की नई शिक्षा नीति आई है उसमें यह बदलाव देखने को मिला है, जो पहले ह्यूमन राइट डेवलपमेंट जो दोस्तों मानव विकास मंत्रालय हुआ करता था उसका नाम बदलकर अभी हाल ही में आप सभी को पता है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जहाजरानी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों यहां से आपको ऑप्शन दिए गए हैं चार, इन चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है और दोस्तों यहां पे आप सभी को पता है जो जहाजरानी मंत्रालय हुआ करता था उसका नाम बदलकर अभी हाल ही में दोस्तों बंदरगाह है जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों भारी उद्योग जो सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेल का सर्वोच्च सम्मान जिसका आरंभ 1991 में हुआ, तो दोस्तों आरंभ में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, जबकि 2021 में इसका नाम बदलकर दोस्तों हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करते हुए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तन करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा गया है। तो दोस्तों
सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जो फेड कप है वह किस किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों यह जो फेड कप है यह टेनिस से संबंधित है। तो इस फेड कप का अभी हाल ही में नाम परिवर्तन किया गया है, और वह नाम परिवर्तन किया गया है बिली जीन किंग कप। दोस्तों बिली जीन किंग कप है और यह टेनिस का एक कप है, इसका अभी हाल ही में नाम परिवर्तन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों जो पंजाब में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदलकर दोस्तों आप छाया चित्र देख पा रहे हैं बलवीर सिंह सीनियर। तो दोस्तों मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा है। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है यह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह दिल्ली में स्थित है, और दोस्तों आप सभी को पता है इसका नाम अभी हाल ही में बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। और दोस्तों आप सभी को पता है अरुण जेटली हैं जो भारत के पहले ऐसे वित्त मंत्री हैं जिनके कार्यकाल में दोस्तों जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आरंभ हुआ था। उस समय जो वित्त मंत्रालय था वह अरुण जेटली के पास था दोस्तों, और जीएसटी जो दोस्तों लागू करने वाले जो भारत के यह वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, इन्हीं को सम्मानित करने के लिए दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मोटेरा स्टेडियम सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का अभी हाल ही में नाम बदलकर जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पर कर दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है। दोस्तों फेसबुक का नया नाम मेटा प्लेटफॉर्म INC कर दिया गया है। दोस्तों इससे संबंधित मुख्य तथ्य पे बात करें, फेसबुक के संस्थापक एवं CEO कौन है, तो वह है मार्क जकरबर्ग ने। दोस्तों फेसबुक का कॉरपोरेट नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म इंक किया है। तो दोस्तों यहाँ से फेसबुक का दोस्तों नाम चेंज सोशल मीडिया पे नाम चेंज नहीं हुआ है, इसका कॉरपोरेट नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म इंक किया गया है। दोस्तों मेटा प्लेटफॉर्म इंक है जो केवल कॉरपोरेट नाम बदलकर चेंज किया गया है। जकरबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम मेटावर्स किया है, इसके बाकी प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक पहले की तरह ही चलते रहेंगे। मेटा का ग्रीक में मतलब होता है बियॉन्ड, और बियॉन्ड होता है हिंदी में सीमा से पार। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिसका नाम चेंज किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम बदलकर डाइम कर दिया गया है। तो दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर पाबंदी लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की है। तो दोस्तों दिल्ली सरकार की पहल है जो हरिजन शब्द हुआ करता था इस पर पाबंदी लगाकर दोस्तों जो डॉक्टर अंबेडकर हैं यह शब्द इस्तेमाल किया जाना है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भारत बांग्लादेश और रूस, इन चार ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से ही होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में दोस्तों अपने राष्ट्रगान में काफी बदलाव किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, एयरलाइंस कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों जो गो एयर कंपनी है उसने अपना नाम बदलकर गो फर्स्ट कर दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों अफगानिस्तान में आप सभी ने देखा होगा काफी उठापटक चली, वहां से लोगों ने दोस्तों एरोप्लेन के बाहर ही खड़े होकर दोस्तों भागना चाहा, लेकिन वहां पे दुर्घटना भी हुई, 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उसमें दोस्तों अमेरिका ने अपनी सेना वापस लेने के कारण दोस्तों वहां पे काफी जो अब जो नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नाम हो गया है IAEA की फुल फॉर्म है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करें, हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर भीमराव अम्बेडकर टनल, पंडित जवाहरलाल नेहरू टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल या महात्मा गांधी टनल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल दोस्तों चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, पहले नाम हुआ करता था चेनानी नासरी सुरंग, अब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर सी से ही होने वाला है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो दोस्तों यहां से आपको ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो आप सभी देख पा रहे हैं जो महाराष्ट्र ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदलकर RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है।
इसी क्रम में आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया टीवी चैनल लॉन्च किया है? डीडी चैनल, ब्रेकिंग पीएम, विधान टीवी या संसद टीवी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, संसद टीवी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दोस्तों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का दोस्तों दोनों का विलय कर एक टीवी बनाया है, संसद टीवी। संसद टीवी दोस्तों इन दोनों टीवियों का दोस्तों जोड़कर एक संसद टीवी बनाया है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदल कर क्या कर दिया है? इंदिरा नेशनल पार्क, अकबर नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, जहांगीर नेशनल पार्क? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, औरंग नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है उसका नाम बदल कर दोस्तों राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों जो गुजरात में केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल कर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट हेरियट का नाम परिवर्तन करके दोस्तों माउंट मणिपुर कर दिया गया है, तो ये माउंट हेरियट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये देखना है जो माउंट हेरियट है वह स्थित कहाँ है। तो दोस्तों अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में माउंट हेरियट स्थित है, उनका नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। तो दोस्तों माउंट मणिपुर कर दिया है तो आपको ऑप्शन नंबर ए नहीं लगाना है कि इसका नाम माउंट मणिपुर है, तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। दोस्तों माउंट मणिपुर जो अभी नाम परिवर्तन किया गया है माउंट हेरियट का, जो भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वह है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, किस शहर में एक चौराहे का नाम है डॉक्टर हरिवंश रॉय बच्चन के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों भारत के हिंदी के कवि और जो अमिताभ बच्चन है उनके पिता, जिनको दोस्तों काफी प्रसिद्ध हिंदी के कवि हैं। तो दोस्तों जो रोकला शहर है उसमें एक चौराहे का नाम भारत के हिंदी कवि हरिवंश रॉय बच्चन के नाम पर किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI का नया नाम क्या है? तो दोस्तों जो NRTI है राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थित है, और यह है दोस्तों वडोदरा गुजरात में स्थित है गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो भारतीय राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट कर दिया है? तो दोस्तों गुजरात की पटेल सरकार ने दोस्तों ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है, आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? तो दोस्तों जो पहले मिड डे मील योजना हुआ करती थी, स्कूलों के अंदर बच्चों को खाने का जो पोषण दिया जाता था, मिड डे मील का नाम बदलकर PM पोषण योजना कर दिया गया है। दोस्तों PM पोषण योजना इसका नाम परिवर्तन कर दिया है। तो दोस्तों पद क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तन करके PM पोषण योजना कर दिया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, टाटा स्काई का नया नाम क्या कर दिया गया है? दोस्तों जो टाटा स्काई हुआ करता था उसका नया नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों यहां से टाटा स्काई का नाम बदलकर टाटा प्ले कर दिया गया है। तो दोस्तों परिवर्तन नाम है इसका टाटा प्ले, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के मियाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों मियाबाड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों महेश नगर हॉल्ट इसका नाम चेंज कर दिया गया है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जो रेलवे मियाबाड़ा रेलवे स्टेशन उसका नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों जो सिक्किम राज्य में जवाहरलाल नेहरू रोड का जो नाम परिवर्तन किया गया है, वह नाम परिवर्तन करके नाम किया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। दोस्तों नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम पर, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, सेना खेल संस्थान
पुणे का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो दोस्तों, जिन्होंने भाला फेंक में भारत को दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया, तो दोस्तों उनके नाम पर सेना खेल संस्थान दोस्तों नया नाम कर दिया गया है। और दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन है, इसके बारे में आप बताने वाले हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिसार हवाई अड्डे जो हरियाणा में नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों आप सभी को पता है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम पर ही दोस्तों यहाँ पे नाम परिवर्तन किया गया है। सॉरी दोस्तों, नीरज चोपड़ा के नाम पर यहाँ पे नहीं किया गया है, यहाँ से जो हिसार हवाई अड्डे का नया नाम में बदलकर क्या किया गया है? तो दोस्तों हिसार वाले का महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किया गया है, जबकि सेना खेल संस्थान है, सेना खेल संस्थान है उसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर किया गया है, जबकि जो हिसार हवाई अड्डे का नाम है वह महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नाम पर किया गया है। दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा दोस्तों, बाई मिस्टेक ऑप्शन बी बता दिया गया था अभी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर अभी हाल ही में सुंदर भारत कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि जो 2022 में मुख्य मुख्य जो नाम बदले गए हैं, जो चाहे किसी रेलवे स्टेशन का हो, किसी मंत्रालय का हो, किसी देश का हो या किसी योजना का हो, जो भी 2022 में मुख्य क्वेश्चन बन सकते थे, हमने यहाँ पे दोस्तों 55 प्लस क्वेश्चन पे चर्चा की है, उनसे संबंधित और क्या तथ्य हो सकते हैं उन पे चर्चा की है। तो दोस्तों आज की क्लास लेने के बाद आपकी चाहे कोई किसी भी प्रकार के एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर पूछा जाना है, उसमें एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म हो चुके हैं और एक या दो नंबर का आपको मैटर दिया जा चुका है कि एक या दो नंबर तो आपके बिल्कुल कन्फर्म होने वाले हैं, चाहे SSC CGL हो, SSC GD हो। तो दोस्तों आप सभी को पता है SSC CGL में भी 20,000 प्लस वैकेंसियां हैं, इनको इंक्रीज करने की अभी और चल रही है, यदि इंक्रीज होती है तो यह 35,000 तक जा सकती है, और SSC GD में भी 24,000 प्लस वैकेंसी आ चुकी है। तो दोस्तों इन सभी एग्जाम, इनके अलावा भी आपकी चाहे किसी MPPSC हो, UPPSC हो या अदर स्टेट की कोई भी एग्जाम हो, लेखपाल हो, दोस्तों उन सभी में यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों यदि आपने 2022 के दोस्तों मोस्ट 200 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की क्लास नहीं ली है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो दोस्तों दो पार्ट बनाए गए हैं 200 क्वेश्चनों का। प्रथम पार्ट में दोस्तों 100 क्वेश्चन है और जो पार्ट टू में दोस्तों अगले 100 क्वेश्चन पे बारे में चर्चा की है। यह 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से दोस्तों यह डिजाइन किए गए हैं कि वह आपको एग्जाम में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है उनमें और एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। यदि आपने यह सेशन नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों यहाँ पे यह दोनों क्लासेज आप देख सकते हैं और अपनी जो स्टडी है उसमें दोस्तों काफी और भी अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि हाँ आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके आप आने वाली हर एग्जाम की नोटिफिकेशन पा सकते हैं और उन एग्जामिनेशन में दोस्तों आपको स्टेटिक्स से पूछे जाए या GK से पूछे जाए या करंट अफेयर से यदि किसी प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, इन सभी की दोस्तों यहाँ से जो स्टैटिक्स IQ परिवार यहाँ से तैयारी करवाता आ रहा है, चाहे स्टैटिक्स हो, GK हो या करंट अफेयर्स की दोस्तों मंथली हो या दोस्तों यहाँ पे ईयरली हो, आपको यहाँ पे क्लासेज मिलती है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।